बाबा बागेश्वर का अगला दरबार दिल्ली में लगाया जाएगा। बाबा के बड़ी संख्या में भक्तों को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में बाबा बागेश्वर का दरबार लगाया जाएगा, जहां भारी संख्या में उनके भक्त एक साथ उनके दर्शन कर सकेंगे और उनकी कथा का अमृत पान कर सकेंगे। बाबा का दरबार 5 से 8 जुलाई तक लगाया जाएगा। इसके पहले बाबा बागेश्वर के पटना में लगे दरबार में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। इस पर विपक्ष ने बाबा बागेश्वर पर राजनीतिक कार्यक्रम करने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता विष्णु मित्तल ने अमर उजाला को बताया कि बाबा के दरबार के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण कर लिया गया है। बाबा बागेश्वर धाम के कुछ पदाधिकारियों ने भी जगह का मुआयना कर लिया है और कार्यक्रम को लेकर अपनी अंतिम सहमति दे दी है। 4 दिनों के कार्यक्रम में बाबा के भक्तों को हनुमान कथा के साथ अपनी शंकाओं के समाधान का अवसर भी उपलब्ध होगा। भाजपा नेता मनोज तिवारी और रवि गुप्ता ने बाबा का दिल्ली दरबार लगाने की सबसे पहले पहल की थी। इसमें उन्हें सफलता मिली और बाबा के कार्यक्रम को करीब से देखने वालों से अनुमति मिल गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों से भी सहयोग लिया जा रहा है, जिससे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। दिल्ली में भी बाबा के दरबार में लगभग 10 लाख के करीब लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। आज हुई प्रबंध समिति की बैठक में इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों तक बिहार दौरे पर रहे थे। 13 मई से 17 मई के बीच शास्त्री पटना के जिस होटल पनाश में रुके थे, उसके बाहर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला था। लेकिन अब जब वो अपने बागेश्वर धाम के लिए लौट गए हैं, उसके बावजूद बाबा के भक्त होटल पनाश पहुंच रहे हैं। दरअसल पटना के होटल पनाश में बाबा बागेश्वर जिस कमरे में रुके थे, उस कमरे को श्रद्धालु देखना चाहते हैं। इसके लिए होटल प्रबंधन को लगातार श्रद्धालुओं की तरफ से आग्रह आ रहे हैं। बाबा के भक्त बस उस कमरे की एक झलक देखना चाहते हैं जिसमें बागेश्वर सरकार 5 दिनों तक ठहरे थे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जब बिहार दौरा तय हुआ, तो आयोजकों ने उनके ठहरने का इंतजाम पटना के होटल पनाश में किया था। पटना का यह होटल गांधी मैदान के पास स्थित है और इसी होटल के प्रेसिडेंशियल सूट को बागेश्वर सरकार के लिए बुक किया गया था। 13 मई की सुबह बागेश्वर सरकार जब पटना पहुंचे, तो एयरपोर्ट से सीधे होटल के इसी कमरे में आए थे और 17 मई को हनुमंत कथा के आखिरी दिन जब तरेत पाली मठ के लिए रवाना हुए, तब इसी होटल से निकलते वक्त श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला था। कमरे में होटल स्टाफ के आने जाने पर मनाही थी। बागेश्वर सरकार जब तक होटल में रहे, तब तक यहां न केवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले, बल्कि दिन रात हर वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होटल के बाहर मौजूद रही। सामान्य लोगों के लिए होटल के अंदर आना जाना नामुमकिन था और जिन लोगों ने अपना कमरा होटल में बुक करा रखा था, उनके लिए भी अंदर बाहर आना आसान नहीं था। होटल पनाश के प्रेसिडेंशियल सूट में 5 दिनों तक ठहरने के बाद बागेश्वर सरकार तो वापस लौट गए, लेकिन अब कमरा खास बन चुका है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।